भारत विश्व का सबसे मजबूत लोकतांत्रिक देश कहा जाता है। गुलामी की जंजीरों से आजाद होने के बाद भारत खंड में कई चुनाव हुए, कई सरकारें बनी। तब से लेकर आज तक भारतवर्ष ने कई चुनौतियों का सामना किया, कई उतार चढ़ाव देखे, जिसका सत्तारूढ़ पार्टियों ने न सिर्फ मुकाबला किया बल्कि लोकतंत्र के पवित्र मंदिर की गरिमा को बनाए रखने की भी पुरजोर कोशिशें की। यही कारण है कि भारत में होने वाले आम चुनाव को यहाँ की जनता एक त्यौहार के रूप में देखती है। नमस्कार, महान्यूज 7 की खास पेशकश अखाड़ा राजनीति का इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ मौजूद है समाज सेवक प्यारे खान। प्यारे जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। शुरुआत तो यही से करना चाहूँगा, नितिन गडकरी से इतनी मोहब्बत कैसी? देखिए क्या है, मोहब्बत उनके काम से। जो व्यक्ति ने हजारों लोगों के पैर लगा दिए, जो व्यक्ति ने हजारों लोगों के क्या बोलते ऑपरेशन करवा दिए, जो व्यक्ति ने हजारों लोगों की जानें बचाई, तो ऐसे व्यक्ति से मैं क्या कोई भी मोहब्बत करेगा। जी बिल्कुल, जिस तरीके से लोकसभा चुनाव नज़दीक है, ऐसे में आप जो मुस्लिम जो इलाके हैं नागपुर शहर के, वहाँ घूमकर नितिन गडकरी का प्रचार कर रहे हैं, इसके पीछे का उद्देश्य क्या है और साथ ही किस तरीके का रिस्पांस मिल रहा है आपको? देखिए, अगर ऐसा व्यक्ति देश में रहे, हमारे नागपुर में रहे, तो हमारे लिए सब समाज के लिए गर्व की बात है, क्योंकि वो सभी समाज का काम करते हैं। अगर वो रहेंगे तो आगे भी काम होंगे। अभी काम की तो उनके बारे में बोलना बोले तो चांद को आईना जैसा दिखाने जैसी बात है। तो उनके काम इतने कि हम गिना नहीं सकते, इतने काम हैं। तो ऐसे व्यक्ति को कौन नहीं चाहेगा, और हर कोई बेलॉस उनके लिए काम करना चाहता है। काम करने वाले इतने हो गए कि काम नहीं जी, तो मेरे जैसे और भी लोग हैं जो काम करना चाहते हैं उनके लिए। क्या कहना चाहूँगे बारा जी, किस तरीके की जनता से रिस्पांस मिल रहा है आपको? आप लोग जा रहे हो, प्रचार कर रहे हो, किस तरीके जनता की क्या क्या प्रतिक्रिया है जो आपके समक्ष आ रही है? देखिए, मैं क्या बता रहा हूँ कि इस देश में BJP के लिए फर्स्ट टाइम ऐसा होने जा रहा है। अगर आप पूरे इंडिया की बात करें तो आज तक कभी ऐसा हुआ नहीं होगा जी। ये आप इतिहास निकाल के देख लेना। और आने वाले 4 जून को नागपुर के मुसलमान जो है वो इतिहास रचने जा रहे हैं जी, और इसका परिणाम पूरे इंडिया में दिखेगा। जी, किस तरीके का इतिहास रचा जाएगा? क्या नितिन गडकरी जो कह रहे हैं कि अब की बार 5 लाख पार, क्या ये सही होता दिखाई देगा? उससे बहुत ज़्यादा आगे निकल जाएंगे क्योंकि इस बार क्या SC समाज वोट देने जा रहा है, सिख समाज वोट देने जा रहा है, मुस्लिम समाज वोट देने जा रहा है, तो ये उनका काम है। तो ये सारे चीज़ें जो है प्लस में जा रही है, वो काफ़ी ज़्यादा प्लस में जा रही है। तो वो उनका काम है, जो नितिन जी का काम है, उसकी वजह से ये सब होने जा रहा है। जब व्यक्ति काम करता है तो सब कुछ बराबर चलता है। प्यारे जी, आम जनता की दरकार होती है रोटी, कपड़ा, मकान और बुनियादी सुविधाएं। बुनियादी सुविधाएं हर मुसलमान तक पहुंच सके, इसके लिए क्या प्रयास कर रहे हो आप? नहीं, हम तो क्या है मालूम है कि आपको बता दूँ कि साहब ने मुसलमानों के लिए इतना सारा काम कर दिया कि जो कांग्रेस ने पिछले 50 सालों में नहीं किया जी। तो जब विकास हो रहा था, व्यक्ति का भी विकास होता है। अब मैं भी मुस्लिम हूँ, मैं भी देखिए कहाँ था और कहाँ आज मेरा बिजनेस चल रहा है जी। तो विकास होता है तो उसके साथ साथ लोगों का भी विकास होता है जी। अभी जैसा मेट्रो है, तो मेट्रो में मुस्लिम भी बैठ रहा है, हिंदू भी बैठ रहा है जी। रास्ते बने, उस पर हिंदू भी चल रहा है, मुस्लिम भी चल रहा है जी। नागपुर में IIM उसमें हिंदू भी पढ़ रहा है, मुस्लिम भी पढ़ रहा है। सिम्बोसिस आया, उसमें हिंदू भी पढ़ रहा है, मुस्लिम भी पढ़ रहा है। तो ऐसी बहुत सारी अनेक चीज़ें। अभी ताजबाग का ही आप एक ये ले लीजिए, ताजबाग कितना सुंदर बना दिया। तो बहुत सारे, यानी कि मैं काम गिना नहीं सकता कि इतने काम किए। तो वो सबके लिए हो रहे और लोगों का उससे बिजनेस बढ़ रहा है। जितने भी गरीब परिवार थे वो अपना चैन से कमा रहे, खा रहे और सब खुश है, सब हैप्पी है। क्या कहना चाहोगे, क्या लगता है शहर की यदि हम बात करें प्यारे जी, तो क्या क्या ऐसी चीज़ें हैं जो आज भी अधूरी है जिसे आप पूरा करना चाहते हो? देखिए क्या है, सबसे बड़ा क्या है कि हमारे समाज का, मैं शहर की बात नहीं कर रहा हूँ, अभी अपने समाज की बात कर रहा हूँ। हमारे समाज को सबसे ज़्यादा ज़रूरत है एजुकेशन की जी। तो वो मैं नितिन जी के माध्यम से उसको, उस कमी को पूरा करने जा रहा हूँ जी। उनसे मैंने डिस्कस भी किया है कि भाई हमको ना नौकरी में आरक्षण चाहिए न और कुछ चाहिए, हमको मुस्लिम समाज को सिर्फ और सिर्फ अच्छा एजुकेशन चाहिए। और आपने जैसा बोला कि शहर में क्या कमी है जी, मेरे से ज़्यादा उनको पता है, वो जो भी कमी दिखती है वो उसको
कमी से ज़्यादा यानी कि वो लेके आ रहे जी। पहले जैसा बहुत सारी चीज़ें थी यहाँ नहीं थी, एजुकेशन हब नहीं था नागपुर, आज उसको एजुकेशन हब बना दिया, मियान में कितना सारा डेवलप कर दिया जी। मेट्रो की ज़रूरत नहीं थी नागपुर को, आज 50 साल मेट्रो लाने के बाद आगे लेके चले गए। उसके बाद तुम्हारा इसको नागपुर में ये देखेंगे तो बहुत एशिया का नंबर वन फाउंटेन लेके आए और इसको पर्यटन के हिसाब से वो डेवलप करे। ताजबाग को भी अभी देवेंद्र जी से बात करके 224 करोड़ रुपए दिलवा रहे, तो बहुत कुछ ला रहे जो यानी कि एक आम खासदार के बस की बात ही नहीं थी जी। हाँ जी, क्या कहना चाहूँगी, जिस तरीके से गडकरी साहब हमेशा से कहते हैं कि मुसलमानों को अब तक क्या मिला, चाय की टपरी, पान का ठेला, तो एक्चुअल देना क्या चाहते हो आप लोग मुसलमानों को? देखिए, मुसलमानों को एजुकेशन मिल गया तो खुद इतना स्किल्ड है कि वो सारे रास्ते अपने आप बना लेगा। सबसे बड़ा है एजुकेशन। एजुकेशन जिस दिन मुसलमानों को मिल गया तो मैं मानता हूँ कि वो देश का सबसे बड़ा टैक्सपेयर बनेगा जी। सबसे बड़ा टैक्सपेयर बनेगा वो देश का, क्योंकि मुसलमान को कांग्रेस ने सबसे बड़ा जो हथियार था एजुकेशन वही नहीं दिया जी। उसके कारण वो इतना बैकवर्ड हो गया कि मैं आपको बता नहीं सकता। अभी आप तकरीबन 47 से पहले की आप कहानी देखिए मुसलमानों की, कितने पैसे वाले हुआ करते थे, गवर्नमेंट में कितने सर्विस पे थे, आज 0.1% भी गवर्नमेंट में नहीं है। अभी आप बीजेपी को बार बार ब्लेम करते कांग्रेस वाले, तो हालात तो मुसलमानों के, बीजेपी तो अभी 10 साल से सत्ता में, हालात तो उससे पहले ही काफ़ी ख़राब हो गए मुसलमानों के, तो जितने हालात ख़राब किए उन्होंने मुसलमानों के मैं आपको बता नहीं सकता जी। और जब भी चुनाव आता है तो जातिवाद की ही बात करते, बस जातिवाद की बात करके वोट लेते। उन्होंने कुछ दलाल पकड़ के रख लिए मुसलमानों के पैसे, बस वो काम नहीं करते, यानी कि रास्ते पे जाते नहीं जी, मुसलमानों से मिलते नहीं, उनकी तकलीफ नहीं पूछते, बस दो चार एक उसमें वीडियो बना लिया, दो चार स्पीचें बना लिया और वो उठा के डाल, बस वही काम करते, उसके अलावा कुछ। तो मुसलमान अब समझ चुका है, अब उसको अपना विकास ही, हिंदू मुस्लिम से बाहर आना चाहता है। क्या कहना चाहोगे आप, धरातल में उतरकर नितिन गडकरी का खोलकर प्रचार कर रहे हो, क्या ऐसा समझा जा सकता है कि आने वाले समय में मध्य नागपुर से आप कैंडिडेट रहेंगे भाजपा के? नहीं, देखिए मैं एक बिजनेसमैन हूँ और हमारे पार्टी में अच्छे अच्छे लोग हैं, तो मेरे को कोई चुनाव उनाव लड़ने में इंटरेस्ट नहीं है और वो मेरे बस की बात भी नहीं। नितिन जी से मेरे पर्सनल संबंध है, एक बहुत अच्छे व्यक्ति है, मैंने उनके साथ कोविड में काम किया है, तो उस वजह से मैं कर रहा हूँ, क्योंकि वो, मैं भी एक सोशल सर्विस करता हूँ और वो भी वही करते हैं, तो मैं एक वो उसके होने के नाते मेरे को उस काम में अच्छा लगता है, और वो रहे तो हमारे नागपुर के लोगों का, हजारों लाखों लोगों का बहुत भला हो जाएगा, गरीबों का बहुत भला हो जाएगा, तो मेरे को चुनाव उनाव में जाना नहीं है, चुनाव लड़ना नहीं। एक आखिरी सवाल प्यारे साहब, कि जिस तरीके से केंद्र में कहा जा रहा है मोदी की गारंटी, तो क्या नागपुर के लिए कहा जा सकता है कि यदि नितिन जी यहाँ से इलेक्शन जीतते हैं तो नितिन की गारंटी मुसलमानों का विकास होगा? बिल्कुल, वो गारंटी पहले खान लेता है कि बिल्कुल विकास होगा, क्योंकि नितिन जी कभी भी जात पात धर्म से ऊपर काम करते। अगर मैं बताऊँ आपको तो मुसलमानों को पहला कॉलेज देने वाला व्यक्ति कोई है तो वो नितिन गडकरी जी, जिसके वजह से हजारों इंजीनियर मुस्लिम बच्चे निकले। अब जो कांग्रेस वाले हैं उनका भी देख लीजिए कितने कॉलेज हैं, उनके खुद के कितने कॉलेज है, तो उन्होंने मुसलमानों को क्या दिया? मुसलमानों को नितिन जी जैसा ऐसा कुछ दिया तो बता दे जी, या देवेंद्र जी जैसा कुछ दिया तो बता दे, या परवीन दटके जी जैसा दिया। अभी 20 करोड़ रुपए मुस्लिम लाइब्रेरी को मिले मोमिनपुरा में जी, तो इतनी बड़ी रकम मुसलमानों को आज तक नहीं मिली। 5 एकड़ उधर जमीन दे दिया देवेंद्र जी ने, क्या बोलते तुम्हारा, गडकरी साहब के बोलने पे, जाफरनगर के पास गोरेवाड़ा में, तो बहुत सारे पैसे दिए भाई उनका। हमने मुसलमान तो उनके एहसानमंद है कि मुसलमानों ने वोट ना देके भी इतना कुछ दिया। जिनको वोट दिया वो तो कभी खड़े नहीं रहते हमारे सामने, 5 साल सूरत ही नहीं दिखाते किसी भी मुस्लिम मोहल्ले में जाके। ये मेरा चैलेंज है जी, आपके न्यूज़ के माध्यम से बोल रहा हूँ मैं, ये मेरा चैलेंज है, कोई भी MLA ये वो बता दे कि मुसलमानों के 50 करोड़ के 50 साल में, एक दो साल में नहीं जी। मैं तो नितिन जी देवेंद्र जी के साथ जुड़ा हूँ, अभी साल दो साल में इतने 500 करोड़ के काम लेके आ गया और करवा भी लिया, जिसमें से बहुत सारा पैसा आ भी गया जी। अभी ताजबाग को विकास के लिए 10 करोड़ रुपए मिले, खेल के ग्राउंड के लिए पैसे मिले, सोलर के लिए पैसे मिले, 5 लाख टाके के लिए पैसे मिले, उसके बाद
डीपी आ गया, एम्बुलेंस दे दिया, ना जाने कितने काम हो गए, मैं आपको बता नहीं सकता। इनका एक काम बताइए मुसलमानों के लिए, तो ये क्या है। मैं उनको, हमारे समाज के लोग अब जागरूक हो रहे और वो फालतू लोगों के चक्कर में आने वाले नहीं, वो उनको कोई लेना देना नहीं, उनका काम होना चाहिए, उनका विकास होना चाहिए। अखाड़ा राजनीति का इस कार्यक्रम में मेरे यानी पारस के साथ इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।